हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, जब भी हम अपना पैसा कहीं निवेश करते हैं तो हम उसमें दो चीज़ें ज़रूर देखते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट से हमें कितने रिटर्न्स मिलेंगे और पैसा इन्वेस्ट करने पर हमें लिक्विडिटी कितनी मिलेगी, मतलब कि क्या हम अपना पैसा आसानी से निकाल सकेंगे। अगर कोई क्राइसिस आ जाती है या कोई इमरजेंसी आ जाती है तो क्या हमें हमारा पैसा आसानी से मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ें हम ज़रूर देखते हैं जब भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, NPS में निवेश करना एक अच्छा ऑप्शन है टैक्स बेनिफिट के हिसाब से, लेकिन NPS में निवेश करने पर आपको लिक्विडिटी काफ़ी कम मिलती है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पर आप पर पैसा विड्रॉ करने के लिए। तो अगर आपको फंड की शॉर्टेज है या आपको लगता है कि आपको नियर फ्यूचर में कुछ बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ सकती है तो NPS में निवेश करना अकलमंदी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप आसानी से अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। NPS में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाता है, साथ ही रिटायरमेंट के बाद आपको आपका पैसा पेंशन के फॉर्म में मिलता रहता है। इसके अलावा NPS में निवेश करने पर आपको रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से NPS इन्वेस्टमेंट अच्छा है, लेकिन लिक्विडिटी अगर आप चाहते हैं, अगर आपको अचानक से 2-3 साल में पैसा विड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ जाती है तब NPS आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, जब हम NPS में निवेश करने जाते हैं तो हमें दो तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, एक है Tier1 इन्वेस्टमेंट और एक है Tier2 इन्वेस्टमेंट। अब बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये Tier1 और Tier2 है क्या, हम किस में इन्वेस्टमेंट करें जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, Tier1 में पैसा डालें या Tier2 में पैसा डालें। तो आज के वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये Tier1 और Tier2 है क्या और Tier1 में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दूसरों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जानते हैं सबसे पहले Tier1 के बारे में कि Tier1 में कौन कौन लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हों, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप कोई बिजनेस करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, अगर आपकी एज कम से कम 18 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल, 18 से 65 साल की उम्र के बीच के लोग NPS में अकाउंट खुलवा सकते हैं। पहले ये स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए थी, लेकिन 2004 से इसे सभी के लिए ओपन कर दिया गया है, तो सभी लोग NPS में निवेश कर सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया के अलावा नॉन रेसिडेंट्स भी NPS में निवेश कर सकते हैं। अब बात करें अगर Tier 2 की, तो Tier 2 में कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। Tier 2 अकाउंट सिर्फ वही लोग खुलवा सकते हैं जिनके पास पहले से Tier 1 अकाउंट खुला हो। तो सबसे पहले आपको अपना Tier 1 अकाउंट खोलना होगा और उसके बाद ही आप अपना Tier 2 अकाउंट खोल सकते हैं। तो आप डायरेक्ट Tier 2 अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, आपको पहले Tier 1 खोलना ही पड़ेगा। Tier 1 अकाउंट आप 500 रुपये से, मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 500 रुपये है, 500 रुपये से आप Tier 1 अकाउंट खोल सकते हैं और Tier 2 के लिए मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 1000 रुपीज़ का है, 1000 रुपये से आप Tier 2 अकाउंट को खोल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं टैक्स बेनिफिट्स। Tier 1 अकाउंट में आपको काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अंडर सेक्शन 80C NPS कवर होता है, आप 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन सेक्शन 80C में ले सकते हैं, और अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है NPS में तो वो भी डिडक्शन आपको मिलता है अंडर सेक्शन 80CCD1। लेकिन 80CCD1 का डिडक्शन अलग से नहीं है, 80C की जो 1.5 लाख की लिमिट है उसके अंदर ही 80CCD1 कवर होता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 10% ऑफ सैलरी अलाउड है, तो अपनी बेसिक सैलरी प्लस DA का अप टू 10% आप 80CCD1 में डिडक्शन ले सकते हैं, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, बिजनेस पर्सन हैं, तो आप 10% ऑफ द ग्रॉस इनकम अंडर सेक्शन 80CCD1 डिडक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अंडर सेक्शन 80CCD1B भी अप टू 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिल जाता है। अगर आपकी 80C की लिमिट पूरी हो चुकी है तो आप 80CCD1B में अलग से NPS के लिए 50,000 रुपये तक का डिडक्शन ले सकते हैं। तो टैक्स बेनिफिट्स काफ़ी हैं NPS में, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर
रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं अगर आप पैसा विदड्रॉ करना चाहते हैं तो। अगर टैक्स बचाने के लिए एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि पैसा आप आसानी से विदड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद टीयर टू देखते हैं, तो टीयर टू में आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। अगर आप टीयर टू में कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई भी इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलता है। अब चलिए देखते हैं कि लिक्विडिटी कितनी मिलती है हमें टीयर वन अकाउंट में। टीयर वन अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करने पर आप 60 साल की एज से पहले पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है और आपको ज़रूरी है पैसा निकालना तो पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड है यहाँ पर, लेकिन सिर्फ इन केस ऑफ इमरजेंसीज। इमरजेंसी कौन सी हो सकती है? कि आपको बच्चे की शादी करवानी है, या आपको बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, या आपको हाउस कंस्ट्रक्ट, अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाना है, लेकिन ये घर आपका पहला घर होना चाहिए। अगर आप दूसरा हाउस कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए अलाउड नहीं है, सिर्फ पहले घर के लिए आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। या फिर अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो गई है, यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ के नाम दिए गए हैं, लिस्ट आउट किए गए हैं, जैसे कि कैंसर, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, ऑर्गेन ट्रांसप्लांट, पैरालिसिस, टोटल ब्लाइंडनेस, इस तरह की जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज हैं, ज़्यादा भारी भरकम बीमारियाँ होती हैं, उस तरह की अगर कोई बीमारी हो गई है तो यहाँ पर आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन ये पार्शियल विड्रॉल्स भी आपको अकाउंट ओपन करने के 3 साल बाद ही अलाउड है। अगर आप चाहें कि आप 3 साल पूरे होने से पहले ही पैसा निकाल लें, आपके पास कोई इमरजेंसी आ जाए, तो वो अलाउड नहीं है, सिर्फ 3 साल के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं। और उसके लिए भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सिर्फ 25% अमाउंट ही जो आपने जमा किया है, सिर्फ उसका 25% अमाउंट ही विड्रॉ करने को मिलता है। पूरा पैसा आप तब भी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी भी। ओनली 25% ऑफ द अमाउंट कैन बी विड्रॉन बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज। तो ये तो सारी कहानी थी कि अगर आप 60 साल के पहले अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, पार्शियल विड्रॉल अलाउड है और सिर्फ 25% अमाउंट ही आप विड्रॉ कर सकते हैं 60 साल के पहले। साथ ही अगर आपके साथ बार बार इमरजेंसीज आ जाती हैं तो ऐसा भी नहीं है कि आप कितनी ही बार पैसा निकाल सके, पूरे टेन्योर में आपको सिर्फ 3 बार ये मौका मिलता है कि आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप 3 बार पार्शियल विड्रॉल कर चुके हैं तो आपको पार्शियल विड्रॉल करने की परमिशन नहीं मिलेगी, अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस केस में भी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि अगर आप 60 ईयर्स से अबव हो जाते हैं, आपकी रिटायरमेंट एज आ जाती है, तब आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट की एज के बाद भी आपको पूरा पैसा विड्रॉ अलाउड नहीं है, आप सिर्फ टोटल अमाउंट का 60% ही विड्रॉ कर सकते हैं, और जो बाकी का 40% बच गया वो आपको पेंशन के रूप में मिलता रहता है। तो यहाँ पर भी आप पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, आपको 60% कैश में लेना होगा और रिमेनिंग का 40% आपको पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। तो रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर लिक्विडिटी पर। अब बात करते हैं कि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनी है उसको ऑप्शन दिया जाता है कि या तो वो पूरा पैसा वापस ले सकता है या फिर वो उस एनपीएस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है। तो डेथ के केस में यहाँ पर नॉमिनी को परेशान नहीं होना पड़ेगा, नॉमिनी चाहे तो अकाउंट को कंटिन्यू रख सकता है और अकाउंट में कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है, अकॉर्डिंगली उसे रिटायरमेंट की एज के बाद पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और अगर नॉमिनी चाहे तो पूरा पैसा अपना विड्रॉ कर सकता है। तो ये तो बात थी लिक्विडिटी की। अब चलिए देखते हैं कि रिटर्न्स कैसे मिलते हैं यहाँ पर। एनपीएस में निवेश करने पर आपको 2 तरह के ऑप्शन मिलते हैं कि या तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और चाहे तो आप डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी हम जानते हैं कि हमेशा से हाई रिस्क ऑप्शन रहा है, लेकिन यहाँ पर हाई रिटर्न्स मिलते हैं। तो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क तो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन रिटर्न्स आपको 8% से 14% के बीच में मिल जाते हैं। जबकि अगर आप डेट ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो क्योंकि डेट पर हमेशा गवर्नमेंट बैकअप रहता है, इसलिए यहाँ पर रिस्क आपका काफ़ी लो रहता है और फिक्स्ड रिटर्न्स मिल जाते हैं। 7 से 8% का आपको फिक्स्ड रिटर्न मिल जाता है अगर आप डेट में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चूज़ करते हैं। अब देखते हैं टैक्सेबिलिटी। अगर आप 60 साल की एज से पहले पार्शियल विड्रॉल्स करते हैं तो वो पार्शियल विड्रॉल्स पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं, कोई टैक्स नहीं है, लेकिन आप
टोटल अमाउंट का सिर्फ 25% ही पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, बाकी का 75% आपको रिटायरमेंट के बाद एज अ पेंशन मिलता रहता है। और अगर आप रिटायरमेंट के बाद लमसम विड्रॉल करते हैं जो कि 60% ही अलाउड है, तो वो 60% अमाउंट आपका टैक्स फ्री रहता है और बाकी का 40% जो आपको पेंशन के फॉर्म में मिलेगा, वो 40% अमाउंट आपका पूरी तरह से टैक्सेबल रहेगा एज पर योर टैक्स स्लैब। जो भी टैक्स स्लैब उस समय चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पेंशन के अमाउंट पर टैक्स देना होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन NPS Tier1 अकाउंट के बारे में। हमने एलिजिबिलिटी कंडीशन से लेकर के टैक्सेबिलिटी कंडीशन तक देखा। ऐसा नहीं है कि NPS में इन्वेस्ट करना आपके EEE में आता है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। मैच्योरिटी के बाद आपको जो पैसा मिलता है उस पर टैक्स लगता है। लिक्विडिटी यहाँ पर काफ़ी कम है, आसानी से पैसा नहीं निकाल सकते। पैसा आपका पूरी तरह से सिक्योर रहता है क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम है, आपको पेंशन के फॉर्म में आपके रिटायरमेंट के बाद मिलता रहता है। और इन केस ऑफ डेथ नॉमिनी को भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, नॉमिनी को भी पैसा पेंशन के फॉर्म में मिल जाता है। अगर टैक्स बेनिफिट्स देखें तो टैक्स बेनिफिट्स अच्छे हैं। सेक्शन 80C में भी आपको 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है और सेक्शन 80CCD 1B में आपको एडिशनल 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाता है। तो टोटल आपको 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है अगर आप NPS में इन्वेस्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।